अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है, हमने एडिशनल फोर्सेस वहाँ डिप्लॉय किया है और मेरठ जोन और आगरा जोन पे हमारी विशेष नज़र है और हमने इंटेंसिव पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है, पिकेट्स लगाया है हमने, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया है, काफ़ी सारे लोग गिरफ्तार हुए, उन्हें जेल भेजा गया है और अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी यदि कोई कानून अपने हाथों में लेगा। ऐसे स्थिति बिल्कुल नियंत्रण। सर, एक आरोप ये भी लग रहा है कि कार्रवाई में भी पार्शियलिटी हुई है, मेरठ में जो विधायक गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें किसी खास वजह से सियासी कारणों से गिरफ्तार किया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने इसमें कार्रवाई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस पूरे तत्वों के साथ, इसलिए उनको गिरफ्तार। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पूरा उत्तर प्रदेश में आंदोलन रहा इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा रहा, क्या इसको रणनीति का हिस्सा पुलिस विभाग में नहीं बनाया गया था जिसकी वजह से इतना बड़ा फेलियर हुआ? नहीं नहीं, कोई फेलियर नहीं हुआ है, ये पूरे देश में चला है, सभी राज्यों में आपने देखा होगा, अखबार में देखा होगा कि कई राज्य इससे प्रभावित हुए हैं और उत्तर प्रदेश भी इसमें प्रभावित हुआ है। हम लोगों ने, पुलिस बल ने जगह जगह जाकर लोगों को शांत किया, उनको कंटेन किया, जहां ज़रूरी हुई वहां लाठीचार्ज किया, आगजनी की घटनाओं में और इस प्रकार की घटनाओं में जो भी इन्वॉल्व रहे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। सर, SPCD आगरा का विजुअल्स आया है AK-47 सीधे पब्लिक पे चलाते हुए, अब ऐसा विजुअल मैंने नहीं देखा, अगर आएगा तो उस पर देखा जाएगा। सर,